हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र की महादशा में यदि सूर्य का अंतर चले तो किस प्रकार के फलित होंगे ये बताना चाहूँगा। शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा किसी जातक की चलती हो तो किस प्रकार के फलित और क्या शांति उपाय होंगे ये बताना चाहूँगा। शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा हो तो एक वर्ष चलता है और जो शुक्र की दशा होती है वो टोटल 20 वर्ष चलती है शुक्र की महादशा। और शुक्र में जो सूर्य का अंतर होता है वो एक वर्ष चलता है। तो जो शुक्र में सूर्य का जो अंतर होता है उसके अंदर भी शुक्र में सूर्य के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, शुक्र, शनि, बुध, केतु, शुक्र होता है। मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा हो या बहुत ख़राब हो, या मान के चलो ऊंच का हो या नीच का हो, तो भी शुक्र जो है आपको, या आप तो 20 वर्ष बहुत अच्छे फल नहीं देगा या 20 वर्ष पूरे बुरे फल नहीं देगा। कारण क्या है कि शुक्र सूर्य में ये बदलते रहता है। इसका जो अंतरदशा है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, शुक्र, शनि, बुध, केतु, तो ये शुक्र सूर्य सूर्य इस प्रकार का रिजल्ट देगा। शुक्र सूर्य और चंद्र, तो चंद्र से रिजल्ट देगा, फिर मंगल से रिजल्ट देगा, फिर राहु से देगा, शुक्र देगा, शनि देगा। तो आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह जैसे कि शुक्र खराब हो सकता है, तो बीच के ये बुध के शनि शुक्र सब ग्रह खराब होंगे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समय खराब होता है तो पहली चीज़ तो आपको ज्योतिष के नाम पे कोई भयभीत नहीं होना चाहिए। ये 3000 साल पहले लिखी गई महाविद्या है और इसका पहले बहुत ही साइंटिफिक यूज़ हमारे ऋषि मुनि करते थे। और उन्होंने उन ऋषि मुनियों ने जो है जो बहुत सारे सूत्र है किसी को बताया नहीं तो सूत्र लगभग ख़त्म हो गए। इसलिए हिंदुस्तान में जो प्रडिक्शन रेट है एस्ट्रोलॉजी का, जो फलित का रेट है कि जो सही मायने में भविष्यवाणी करते हैं, उसका 1% रेट होगा। और एक दो यदि कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे भी तो राजघराने से जुड़े हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोगों से जुड़े हैं, नेताओं से जुड़े हैं, आपकी पहुंच वहां तक नहीं होगी। तो मैं तो आपको बता दूंगा, सामान्य फलित बता दूंगा और जो है उसके उपाय बता दूंगा। तो आप उपाय में इंजॉय करिए कि जो प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उपाय क्या है। तो उपाय बड़े इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको विंशोत्तरी दशा के बारे में बता रहा हूँ, और ये विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है, ठीक है। नवग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। जब किसी ग्रह की दशा चालू होती है, जैसे शुक्र की आपकी दशा चालू ही होगी तो क्षणिक आपको कष्ट हुए होंगे, और वैसे शुक्र की दशा जब खत्म होगी तो क्षणिक आपको कष्ट होंगे, तो इसको बोलते हैं दशा छिद्र। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। ज्योतिष का के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत है, उसके आधार पर ग्रह अपने फल देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा तो अच्छे फल देगा, यदि आपकी कुंडली में शुक्र बुरा होगा तो बुरे फल देगा। ऐसे सामान्य सी थ्योरी है, उसका पालन सामान्यतः किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि शुक्र के क्या क्या कारकत्व हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने शुक्र के कारकत्व बता चुका हूँ, तो इसमें शुक्र के कारकत्व की डिटेल नहीं बताऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य के क्या कारकत्व हैं। इसके पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो सूर्य होता है सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री में उच्च का होता है, और सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री में नीच का होता है। और शुक्र की जो सिंह राशि है मूल त्रिकोण रहती है उसकी स्वयं की राशि कहलाती है जो शुभ कहलाती है। तो सूर्य जो नीच का कहलाता है तुला में 10 डिग्री का, यदि किसी कुंडली में ठीक 10 डिग्री का होगा तभी बहुत खराब रिजल्ट देगा। यदि हो सकता है कि तुला राशि में 25 डिग्री का हो तो ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। उसी तरीके से किसी कुंडली में सूर्य उच्च का तो है लेकिन वो 10 डिग्री का ना हो, 1 डिग्री का हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। 25 डिग्री का होगा तो भी नहीं देगा। एग्जैक्ट वो 10 डिग्री का हो या 12 का हो या 8-9 डिग्री का हो, तो ये मान के चलिए कि ये उच्च डिग्री के पास में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने की इससे उम्मीद बनती है। यही खास खास बात होती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य मेरी कुंडली में उच्च का है लेकिन बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा। हो सकता है वो 28 डिग्री में हो या बिल्कुल वृद्ध अवस्था में हो तो इसलिए अच्छे फल नहीं देता। हो सकता है कि नवमांस कुंडली में जाके बिगड़ गया हो सूर्य, वहाँ नीच का हो गया इसलिए भी अच्छे फल नहीं देता। तो कई कारण होते हैं, इसलिए फलित बताना बहुत कठिन होता है। सूर्य के जो कारकत्व, तो सूर्य सरकार का प्रतीक होता है, सत्ता का प्रतीक होता है और प्रभु सत्ता का प्रतीक होता है, मतलब सरकार, सत्ता, पावर। सूर्य चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य करता है, किसी जातक की शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो तो उसकी हेल्थ से के संबंधित इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसकी पित्त प्रकृति है, इसका बलाबल किसी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। इसका अधिकार क्षेत्र हृदय, पेट, अस्थि और दाहिनी आँख है। चिकित्सीय क्षेत्र में सूर्य के अधिकार क्षेत्र में सिरदर्द, गंजापन, अति चिड़चिड़ापन, ज्वर, दर्द, जलना, पित्त की सूजन से होने वाले रोग जैसे यकृत, पित्त की थैली, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, पेट की बीमारियाँ, अस्थि रोग, कुछ त्वचा रोग, गिरने से शस्त्र से चोट, विस्फान आदि आदि होता है।
रक्त संचार में गड़बड़ी, मिर्गी, कुष्ठ रोग, चौपाय और चोरों, सरीसृपों भय आदि के लिए भी जो है सूर्य जिम्मेदार होता है। सूर्य जो है सत्ता का प्रतीक है, मैंने आपको बताया। सूर्य सामान्यतः आत्मा है, शक्ति, तीक्ष्णता, अच्छा बल, धैर्य, बुढ़ापा, डरपोक की संतान, हड्डियाँ, उदर, इस प्रकार से बहुत सारे जो है सूर्य के कारकत्व होते हैं। अब आप देखते हैं शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। शुक्र की दशा में सूर्य की अंतर्दशा हो यदि हो और सूर्य यदि अपनी उच्च या नीच से अन्यत्र हो, इसमें कहा जा रहा है कि सूर्य यदि मेष राशि में उच्च का हो और तुला राशि में नीच का हो, नीच से अन्यत्र हो, तो उस समय संताप, राजकोप, दयादोह से कलह होता है। ये कहा जा रहा है कि यदि वही उच्च का हो तब तो ठीक है और नीच का हो तब तो ठीक है, इसके अलावा सूर्य कहीं पे भी हो तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत थोड़ा अजीब सिद्धांत लग रहा है, इस प्रकार का सिद्धांत मैंने अभी तक पारसारथी के नहीं देखा था कि मतलब सिर्फ यदि ऊंच का होगा नीच का होगा तो अच्छा है बाकी बुरा है, अजीब सा सिद्धांत लगता है। इन सारे ग्रहों में यदि कहीं पे भी होगा ऊंच नीच को छोड़ के तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ऐसे ऋषि परिसर का मानना है, लेकिन मैं इस सिद्धांत से सहमत नहीं हूं। सूर्य यदि सर्वोच्च स्वराशि लग्न या शुक्र से केंद्र त्रिकोण में दूसरे या ग्यारहवें भाव में हो तो राज, धन, स्त्री, सुख लाभ, मालिक से सुख लाभ, मित्रों का समागम, माता पिता और स्त्री से सुख, कीर्ति, सौभाग्य की वृद्धि, पुत्र का जन्म होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, सूर्य यदि केंद्र स्थान पे होती है, केंद्र स्थान कहलाता है, पहला स्थान ये है, चौथा स्थान, सातवां स्थान, बारहवां स्थान, ये पांचवा स्थान केंद्र स्थान त्रिकोण स्थान है, ये नौवां स्थान है जो है ये इसको त्रिकोण बोलते हैं। सूर्य देखिए ग्यारहवें स्थान पे है और यहाँ सूर्य दूसरे स्थान पे हो, ऐसे स्थिति में सूर्य यदि केंद्र त्रिकोण में हो और दूसरे या ग्यारहवें भाव में, ये ग्यारहवा भाव और ये दूसरा भाव, और सूर्य स्वराशि में हो, सूर्य पांचवी राशि उसकी स्वराशि कहलाती है, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब देखते हैं सूर्य यदि तीसरी थ्योरी नंबर तीन है, सूर्य यदि छठे आठवें बारहवें भाव में हो, नीच में हो, पाप राशि में हो, तो कष्ट, संताप, परिजन को पीड़ा, कटु वचन, पिता को कष्ट, बंधु की हानि, राजा का कोप, घर में भय, अनेक रोग और कृषि आदि का नाश होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ कि सूर्य यदि छः आठ बारहवा में हो, हर एक बार ये फार्मूला कई कुंडल सभी जगह ये अप्लाई होता है कि सूर्य यदि छः आठ बारहवें में हो तो मतलब ये छठवा स्थान, ये आठवा स्थान, ये बारहवा स्थान बहुत बुरा भाव होता है, ऐसे स्थिति में यदि सूर्य होगा तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करना चाहिए, तो उससे हानि होती है, तो इसके मैं उपाय भी आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं उपाय। आगे देखते हैं, सूर्य यदि सप्तमेश और द्वितीयेश हो तो ग्रहों की बाधा होती है, उसके शांत्यर्थ सूर्य की आराधना करनी चाहिए। मिथुन लग्न कर्क लग्न की कुंडली है, सॉरी कर्क लग्न की ये कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली में जो है सॉरी कर्क लग्न की कुंडली में मैं ये आपको उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, और कर्क लग्न की कुंडली में ये सूर्य यहाँ द्वितीयेश है तो हानिकारक है ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे भी कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली में ये जो है मी यहाँ पे कुंभ लग्न की कुंडली में यहाँ सूर्य सातवा होके मार्केश है, ठीक है, इसीलिए ये भी कुंभ लग्न की कुंडली में भी यहाँ शुभ नहीं माना जाता सूर्य, ठीक है। अब इसके उपाय बताता हूँ, सूर्य की आराधना, तो मेरा एक वीडियो है सूर्य आदित्य हृदय श्रोतम, यदि आपकी शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है और आपको नेगेटिव कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सूर्य महाराज को पानी दीजिए और ओम घनीशूर आदित्याम का जप करिए, ठीक है, और इसके बाद सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सूर्य का जो है सूर्य का जो मंत्र है ये है 7000 पढ़ना है, ओम ह्राम ह्रीम सौ सह सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः, ये सूर्य के जो है तीन मैंने श्लोक मंत्र है, इसका पाठ कर सकते हैं, या तो ओम घणी सूर्याय नमः ये सबसे सरल है, इसका पाठ करें, और माला में करें तो बहुत मज़ेदार बात है, माला में 108 गुरियाँ होती है, माले में मंत्रों का करने का बड़ा महत्व है, इतना करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे निवेदन करता हूँ कि भैया लूटपाट से बचो, क्योंकि ऋषि पारसर ने कहीं नग नगीने ओघड़ बाबा ये लाल किताब वास्तु की बात नहीं करी, तो इनसे बचें, ये वास्तुविद भी आजकल घर तोड़वा रहे हैं, बहुत नुकसान करा रहे हैं जनता का, इनसे बचें। आपसे नम्र निवेदन की थोड़ा वैज्ञानिक सोच पैदा करिए
तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का सोच विकसित करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देश में एक वैज्ञानिक वातावरण पैदा करने मदद कीजिए। इस प्रकार से ज्योतिष से आप डरते रहोगे कि मेरी ये हो गया, वो कुंडली हो गई, वो हुई। भाई आज से 3000 साल पहले लिखी ज्योतिष है, इसकी सीमाएं हैं। राजा महाराजाओं के लिए ज्योतिष लिखी थी, आप डरे ना। और यदि आप बहुत धन संपन्न हैं तो ही, आज 50,000 से अधिक सैलरी है तो आप दान दें, अदरवाइज आप जो है मंत्रों में विश्वास करिए, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, और लूटपाट से बचें। ज्योतिष विज्ञान की अपनी सीमा है। आपकी नौकरी कोई ग्रह नहीं लगाते, आपकी नौकरी तो आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो नौकरी आपकी लगेगी। तो आपसे निवेदन कि डरे ना। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति मन से करता है तो उसके पृथ्वी माता के ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, सभी प्रकार के ऋण उतर जाते हैं। आजकल ऋणों के नाम पर डराया जा रहा है कि तुम्हारे पर ये ऋण चढ़ा है, वो ऋण चढ़ा है, लूटपाट करते हैं। दुष्टों को 1 रुपया नहीं दीजिए, बढ़िया से भगवान की भक्ति करिए, शुद्ध मन से कोई भी मंत्र पढ़िए, कोई टेंशन नहीं होगा। और लूटपाट से आपको बचना है। आप भाव विभोर होकर वहाँ जाते हैं और लूटपेट के आते हैं। आपसे निवेदन है कि आप ढेर सारे शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, कई प्रकार के पाठ करते रहते होंगे। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी ढेर सारी पूजा कर रहे हैं तो क्या है, कोई टेंशन लेना, फिर आपको तो कुछ होगा ही नहीं। प्रतियोगिता वाले छात्र जो है, और प्रतियोगिता वाले छात्र गर्भवती माताएं, किशोरी बालिकाएं, जो एडल्ट लड़कियां हैं, टीनेज, उनसे निवेदन है कि आप व्रत ना रहें और जो है अच्छा खाए पिए, क्योंकि ये ज्योतिष जो है, आप कंपटीशन की तैयारी मेहनत से करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। अभी ज्योतिष के चक्कर में पड़ोगे तो बड़ी दिक्कत है। एक और सटीक नुस्खा बता रहा हूँ निःशुल्क आपको। ये नवग्रह स्त्रोत इतनी अच्छा चीज़ है, अच्छा स्रोत होता कहलाता है ये। यदि आप नवग्रह स्त्रोत का एक बार पाठ करोगे तो नवग्रहों की शांति होगी और निःशुल्क कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये इस प्रकार के जो विकल्प है मैं बता रहा हूँ, ये बड़े सक्सेस हैं और इसका कारगर है। गीता प्रेस ने छापा विष्णु सहस्त्रनाम, यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम की रोज की पूजा में भी शामिल कर लें तो बहुत बेहतर विकल्प है। पर्टिकुलर शुक्र की महादशा में सूर्य का यदि अंतर चल रहा है और आपको कोई नेगेटिव हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। मैं अपने वीडियो में लिंक आपको दे दूंगा, जो मेरा एक वीडियो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत कहाँ मिलता है, कैसे पाठ करते हैं, तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा और वो पढ़िए, आपको जरूर सफलता मिलेगी और आपके तनाव दूर होंगे। सूर्य को पानी जरूर दीजिए। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने किसी को डराया नहीं हूँ, बिल्कुल सही सही बात आपको बिल्कुल निःशुल्क मतलब निष्पक्ष होकर मैंने बताया हूँ कि आपको डरे ना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो आपको पता लगेंगे। ये सारी सारी प्रक्रिया निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। थैंक यू। हरे कृष्णा।